हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोशल प्रोटेक्शन। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी। सोशल प्रोटेक्शन की जो बातें इंडिया के अंदर होने लगी, उसको मेजर एक बूस्ट किन इवेंट्स ने दिया, ठीक है? और फिर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और हम सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड देखेंगे। ओके, विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर जो है इसमें बन सकते हैं। ओके, सो एज आई हैव टोल्ड यू, टॉपिक्स दैट विल बी डिस्कसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोटेक्शन, द इम्पॉर्टेंस विल बी सीन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे सोशल प्रोटेक्शन का इंडिया में, और आपका बेरिंटोज एंड ह्यूम का क्लासिफिकेशन देखेंगे सोशल प्रोटेक्शन का इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ऑलराइट गाइस, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द एमसीक्यू कोर्सेज। ऑलराइट, एंड कुछ बच्चों का मैं डाउट देखता हूँ कि वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर, यूट्यूब पर हमने कमेंट्स देखे कि बच्चे पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पा रहे, वेबसाइट पर हमने कमेंट देखे कि कोर्स लेने के बाद भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। देखो, पीडीएफ का ऐसा रहता है कि जब आप पेमेंट कर देते हो, उसके बाद यू हैव टू गो बैक टू द वेबसाइट, उसमें आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर जाना होता है, वहाँ पर माय कोर्सेज के सेक्शन में इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। जस्ट प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे जैसे ही पेमेंट करते हैं, दे डू नॉट गो एंड एक्सप्लोर द वेबसाइट, ठीक है? और वो इसी वजह से सीधा अपनी क्वेरी पोस्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें भी कोई इशू नहीं है, वो सारी की सारी क्वेरीज को हम रिजॉल्व करते हैं, और यूट्यूब से हम कमेंट्स को ऐसे डिलीट नहीं करते हैं कि आपको सब अच्छा अच्छा दिखे सिर्फ, ठीक है? तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट पर पीडीएफ कोर्स ले रहे हो, तो डेफिनेटली अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तभी हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी सब देते हैं, तो आप जिसको भी प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्टली हमारे साथ कॉन्टैक्ट में आता है, एंड सीधा हम उसको रिजॉल्व करते हैं। बट प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये है, वो अपनी क्वेरी तो लिख देते हैं, लेकिन कभी भी फिर उसको रिजॉल्व हो गया, वो कभी मेंशन नहीं करते हैं कि हाँ, हमारी क्वेरी रिजॉल्व हो गई है। एंड डेफिनेटली अगर आप अनसेटिस्फाइड रहते हो, तो हम रिफंड भी कर देते हैं पैसे। हमने कई बच्चों के पैसे रिफंड किए हैं, इफ़ दे हैव नॉट बीन एबल टू, यू नो, अगर उनका परचेज सक्सेसफुल नहीं हुआ है, सो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द सोशल प्रोटेक्शन पार्ट। और एमसीक्यू कोर्स में जो भी हम थ्योरी करते हैं, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू पॉसिबल एमसीक्यूज हैं, वो सारे के सारे एमसीक्यूज आपको फॉर्म होकर के मिलते हैं आपके कोर्स के अंदर। ओके, सो सोशल प्रोटेक्शन का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, सो सबसे पहले तो सोशल प्रोटेक्शन जो एज अ टर्म है, वो दुनिया के अंदर डिस्कस कब होने लगी, अराउंड 1990s में, मिड 1990s में, ठीक है? इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं, सोशल प्रोटेक्शन को अटेंशन ज़्यादा कब मिलने लगा, जब आपके एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से काफ़ी सारी नौकरियां गई, ठीक है? और दुनिया को अब एक चीज़ नज़र आने लगी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और जो ग्लोबलाइजेशन के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रिपरकशंस हैं, उनकी वजह से एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलती हैं। और ये जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये रिच लोगों के ऊपर नहीं है, ये अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा नहीं देखने को मिलती हैं, ये रिपरकशंस आपको देखने को मिलती हैं जो दुनिया के अंदर वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्टर्स हैं, ठीक है? अब जैसे अगर मैं बात करूं रिसेशन की, 2008 के रिसेशन की भी बात करूं, तो 2008 के रिसेशन का इफेक्ट, ठीक है, आप लोग कहोगे कि, मैं कहूं बिल गेट्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आया इतना, आप कहोगे कि सर बिल गेट्स के ऊपर इफेक्ट आया, उसको भी रेवेन्यू लॉस हुआ, उसको भी इनकम लॉस हुआ, लेकिन क्या बिल गेट्स के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट आया जैसा एक पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट आया जब उसकी नौकरी उसके हाथ से चली गई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब भी ऐसा कोई क्राइसिस आता है, और अब अगर रिसेशन की अगर हम बात करें, यूएस से रिसेशन शुरू हुआ और वो पूरी दुनिया में फैल गया, तो उसका वो किस वजह से हुआ कि रिसेशन एक कंट्री के अंदर आया और पूरी दुनिया को उसने इम्पैक्ट किया, उसके पीछे रीज़न था ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया की इकोनॉमीज को जोड़ दिया, ठीक है? अब अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर बात करूं, 1990s के अंदर हम रिफॉर्म्स लेकर के आए, हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेकर के आए, हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए, हमने इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा ओपन कर दिया, ठीक है? तो एक तो इन पॉलिसीज़ का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा हमारे कंट्री के अंदर, दूसरा लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर आ गए थे, तो इन दो चीज़ों की वजह से जो एलपीजी रिफॉर्म्स है, जो ग्लोबलाइजेशन इंडिया के अंदर आया,
तो ग्लोबलाइजेशन से इनइक्वालिटीज इंडिया में जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको दिखा कि हाँ भैया इनइक्वालिटीज और ज्यादा बढ़ रही हैं, रिचर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। सेम जो अब हमारे कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेकर के आए थे, तो जो ऑलरेडी वेल ऑफ फार्मर्स थे उनको तो उसका बहुत अच्छा फायदा मिला, लेकिन सारे फार्मर्स को ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं मिला, सारे रीजन्स को कंट्री के अंदर इक्वल ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं मिला, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ गई। सेम एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम पर भी देखने को मिला, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर ट्रेड यूनियनिज्म जो था वो और ज़्यादा एक्टिव हो रहा था, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स आ रहे थे, जिसकी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट थी, जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स थे, दे वर मूविंग मोर टुवर्ड्स द सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि पॉवर्टी और वल्नरेबिलिटी सेक्शंस की बढ़ रही थी आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स। ऑलराइट, अब अगर हम सोशल प्रोटेक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करें, सो दिस कैन बी डिफाइंड एज अ पब्लिक एक्शन। अब एक ऐसा पब्लिक एक्शन यानी कि जो वहाँ की सरकारें एक्शन ले रही हैं इन रिस्पॉन्स टू द लेवल्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, रिस्क एंड डेप्रिवेशन विच आर डीम्ड सोशली अनएक्सेप्टेबल। अब किसी भी कंट्री के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो सिटीजन हैं, वो वल्नरेबल हों, वो रिस्की सिचुएशन में हों, वो पॉवर्टी के अंदर हों। ऑलराइट, सो पब्लिक एक्शन लिए जाएंगे इन पर्टिकुलरली सोशल अनएक्सेप्टेबल सिचुएशंस को डील करने के लिए। ऑलराइट, सो अल्टीमेटली एब्सोल्यूट डिप्रीवेशन से आपने अपने सेक्शन को बचाना है, अपनी सोसाइटी को बचाना है, वल्नरेबिलिटी ऑफ जो पुअरेस्ट लोगों की वल्नरेबिलिटी है उससे आपने बचाना है। अब कोविड आया, कोविड में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन थे? अब अपन लोग तो घर के अंदर बैठ गए, लॉकडाउन लगा, आराम से घर के अंदर बैठ गए, चलो ठीक है फैमिली टाइम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जो पुअर थे, ठीक है, जो मोस्ट वल्नरेबल लोग थे, जो पुअरेस्ट ऑफ द सेक्शंस थे, वो आपको सड़कों के ऊपर दिखे, जबकि सरकार ने उनको ये बोला था कि बाहर मत निकलो बेटा, खतरा है, कोरोना हो जाएगा। वो कहते कोरोना बाद में मारेगा, भुखमरी पहले मार देगी, काम खत्म हो गया, काम वाम सब बंद हो गया, शहर के अंदर सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, तो अपन लोग तो चले गांव में, और गांव में जाने के लिए फिर सड़कों के ऊपर लग गए रश, माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस, यू ऑल नो अबाउट दैट। सो पुअरेस्ट जो सेक्शन है वो वल्नरेबिलिटी के ऊपर सबसे पहले आ जाता है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और साथ ही साथ सोशल प्रोटेक्शन ये भी बात करता है कि अभी जो नॉन पुअर लोग हैं, जो अभी गरीब लोग नहीं है, उनको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ताकि अगर कोई शॉक आ जाता है तो ऐसा ना हो कि वो और ज्यादा वल्नरेबल हो जाए। वंस अगेन कोविड क्राइसिस, कोविड क्राइसिस में जॉब लॉस देखने को मिला, जो पुअर की कैटेगरी में नहीं आते थे, जो गरीब के आकलन में नहीं आते थे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे अब पुअर कैटेगरी के अंदर, क्योंकि जॉब लॉस हो गया, तीन तीन महीने तक काम नहीं मिला, उसके बाद कंपनीज ने कहा कि भैया टाटा बाय बाय, अपने पास काम नहीं है, जॉब कट्स हुए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे सेक्शन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज हमारे पास होनी चाहिए सोशल प्रोटेक्शन के अंदर, उसके अंदर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह जो है वो काम आ जाती हैं, ठीक है। हेल्थ क्राइसिस आ गया कोविड के टाइम पर, तो हेल्थ पॉलिसीज आ गई जो आपके नॉन पुअर सेक्शन को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है। अब अगर हम सोशल सिक्योरिटी से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें, तो सोशल सिक्योरिटी जो है ये एप्लीकेबल होती है उन कंडीशंस के अंदर जहां पर आपकी फॉर्मल इकोनॉमी है, जहां पर आपके सिटीजन फॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के अंदर, ठीक है। आपने वेरियस मेजर्स बना दिए सोशल सिक्योरिटी के, ठीक है, कि सोशल सिक्योरिटीज में वेरियस लेबर लॉज हो गए, वेरियस इंश्योरेंस लॉज हो गए, सारी चीजें आ गई। सोशल प्रोटेक्शन कहां पर रेलिवेंट है? जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो ज्यादातर आबादी है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज है, हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, ना कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर। सोशल सिक्योरिटी में तो क्या हुआ कि आपका पूरा सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको आपने इंश्योरेंस दे दिया। इनफॉर्मल इकोनॉमी में क्या हुआ, अब सरकार, क्योंकि आपके आपकी सरकार को पता है कि यहाँ पर फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है, यहाँ पर किसी को प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड में फॉर्मली एनरोल्ड नहीं है, तो सरकार क्या कहती है कि हम योजनाएं लेके आएंगे, अटल पेंशन योजना, जिससे जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं वो भी इंश्योरेंस सेक्टर के डोमेन में आ सके, ठीक है। फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम्स लेकर के आएंगे, आयुष्मान भारत लेकर के आएंगे, क्योंकि सरकार को पता है कि जो इंडिया के गरीब हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है या इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उन्होंने हेल्थ प्लान ले रखा होगा या हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होगा। तो सोशल सिक्योरिटी में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है फॉर्मल इकोनॉमी, लॉज बने हुए हैं प्रॉपर कि इंश्योरेंस होना चाहिए, इनफॉर्मल इकोनॉमी में सरकार की जो है जिम्मेदारी आ जाती है,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस. अब अगर हम सोशल प्रोटेक्शन की बात करें, सो मुंडरो भाई साहब हुए हैं एक, ये कहते हैं कि सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज जो है ये तीन डिफरेंट डिस्कोर्सेज के ऊपर जस्टिफाइड है. क्यों जस्टिफाइड है सोशल प्रोटेक्शन? सबसे पहले रिस्क एंड मार्केट फेलियर डिस्कोर्स. इसमें क्या कहता है कि अगर मार्केट फेलियर हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस मार्केट भी फेल हो गया, क्रेडिट मार्केट, ह्यूमन कैपिटल, लेबर मार्केट, नौकरियां खत्म हो गई, तो उस केस में सरकार को आगे आना पड़ेगा सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि जो ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर कि वो अपने सिटीजन्स को सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करे. तीसरा कहता है कि पॉवर्टी को रिड्यूस और एलिमिनेट करने के लिए. तो इन तीन दरमियानों पर आपका जो सोशल प्रोटेक्शन है वो जस्टिफाइड है. उसके बाद नॉर्टन और कॉनवे एंड फॉस्टर ये भी बताते हैं कि भैया सोशल प्रोटेक्शन क्यों नेसेसरी है. सबसे पहले तो रिफॉर्म प्रोग्राम्स आप कर लेके आने हैं. डेवलपिंग कंट्री के अंदर अगर आपको रिफॉर्म्स लेकर के आने हैं तो स्टेट को रोल प्ले करना पड़ेगा. सोशल जस्टिस एंड इक्विटी प्रमोट करनी है, इक्वालिटी प्रमोट करनी है. अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, इनइक्वालिटी आ गई देश के अंदर. ठीक है, अब इक्विटी लेकर के आनी है तो सोशल प्रोटेक्शन के कानून सरकार को लेकर के आने पड़ेंगे ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो और ज़्यादा इक्विटेबल हो. पॉलिसी लेड सपोर्ट टू दोज आउटसाइड द लेबर मार्केट विद इनसफिशिएंट एसेट्स टू अचीव अ सिक्योर लाइवलीहुड, ताकि बेरोजगारी कम हो देश के अंदर. प्रोटेक्शन फॉर ऑल सिटीजन अगेंस्ट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल रिस्क जैसे रिसेशन और कोविड जैसे रिस्क हो गए. बेसिक एक्सेप्टेबल लाइवलीहुड स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करना है सारे के सारे अपने लोगों को. उसके अलावा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल के अंदर, पुअर हाउसहोल्ड्स और कम्युनिटीज के केस में. एनेबल पीपल टू टेक इकोनॉमिक रिस्क. अगर इकोनॉमिक रिस्क इंसान कब ले पाएगा? जब उसको पता है कि अगर उसका ये जो रिस्क वो ले रहा है वो फेल हो गया तब भी उसके पास कोई ना कोई सोशल प्रोटेक्शन नेट है. प्रोटेक्ट प्रमोट सोशल कोहेशन एंड सोशल सॉलिडेरिटी. सोशल स्टेबिलिटी आप लेकर के आए तभी जो आपके देश के अंदर जो अराजकता है वो कम होगी. अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो सोशली अपने आप को स्टेबल फील करेगी तो आपके देश के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म जैसी चीज़ें हैं वो अपने आप कम होनी शुरू हो जाएंगी. कंपनसेट फॉर डिक्लाइनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेडिशनल एंड इनफॉर्मल सिस्टम. अब ट्रेडिशनल एंड जैसे जैसे अब अपने पास कंसर्न आता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 आएगा. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर 4 आएगा उसका एक मेजर कंसर्न है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर जो लेबर इंटेंसिव जॉब है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा उसके अंदर, तो उसको कैसे आप कंपनसेट करोगे? ओके, साथ ही साथ इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्सेस फॉर ऑल टू द बेसिक सर्विस. बेसिक सर्विस के अंदर जो है आपका कंटिन्यूस एक्सेस होना चाहिए. ये भी एक मेजर चीज है जिसके ऊपर आपने ध्यान देना. अब अगर हम बात करें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन इन इंडिया की, अब ट्रेडिशनल अगर आप एंशियंट सोसाइटी से देखो तो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इंडियन फैमिलीज के अंदर देखने को मिलेगी. ज्वाइंट फैमिली के क्या अंदर होता था कि जो फैमिली मेंबर्स होते थे, जो पेरेंट्स होते थे, जो मुखिया होते थे परिवार के, वो अपनी फैमिली को सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे. प्रॉपर्टी दे करके जाना है, वुमेन को स्त्री धन दे करके जाना है. दीज वर ऑल व्हाट द मेजर्स ऑफ स्त्री द मेजर्स ऑफ सोशल प्रोटेक्शन. सिमिलरली अर्थशास्त्र जैसे जो आपकी बुक्स आई हैं, जैसे चाणक्य ने जिसको लिखा मौर्यन पीरियड के अंदर, उसमें भी सोशल प्रोटेक्शन का जिक्र आपको देखने को मिलता है. उसके बाद शुक्राचार्य के ट्रीटाइज आए हैं जस्टिस के ऊपर जो 8th सेंचुरी AD में लिखे गए थे. इसके अंदर भी सोशल प्रोटेक्शन के सिस्टम को डिस्कस किया गया है कि ओल्ड एज, सिक, मेंटेनेंस अलाउंस जो है हेल्पर्स को प्रोवाइड करना है, अलाउंस टू फैमिली ऑफ सर्वेंट्स अगर प्री मेच्योर डेथ हो जाती है. तो ये सारे क्या है? सोशल प्रोटेक्शन के ही नॉर्म्स हैं. कॉलोनियल पीरियड के ऊपर अगर आप आ जाओ, फेमाइन रिलीफ मेजर्स जो कॉलोनियल गवर्नमेंट लेकर के आती थी कि किस तरह से मोर्टैलिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइंस को रिड्यूस किया जा सके. और इन्हीं फेमाइन रिलीफ मेजर्स से आप देखोगे 1902 से लेकर के 1943 तक मेजर फेमाइंस को सरकार अवॉइड करने में सक्सेसफुल रही. 42 में आपका फिर से फेमाइन आया. उसके बाद आप देखोगे कि सरकार को उस फेमाइन ने इनकरेज किया कि वो और ज़्यादा एफर्ट्स डाले. और इस फेमाइन के बाद सरकार ने जो कंट्रोल किया फूड ग्रेन्स के ट्रेड को, ठीक है, अर्बन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक्सपैंड किया. तो कहीं ना कहीं सोशल प्रोटेक्शन आपको कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर भी देखने को मिली. 1990s में जब सरकार ने रियलाइज किया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए, ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ी, उससे काफ़ी एक मेजर पॉपुलेशन जो थी वो इफेक्ट हुई. वो मेजर पॉपुलेशन को बाईपास कर गई ये रिफॉर्म्स, ठीक है.
तो उस केस में सरकार ने फिर से डिसाइड किया कि सोशल प्रोटेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के आया जाए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स इज ऑल्सो स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट. अब जो डिसेंट्रलाइजेशन करी सरकार ने, पंचायत राज रिफॉर्म्स लेकर के आए, तो वो भी तो सोशल प्रोटेक्शन के लिए लेकर के आए थे कि ग्राउंड रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर पंचायत जो है, जो लोगों के साथ कनेक्टेड है, वो काम करें लोगों की प्रॉब्लम समझने में और लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में. ऑल राइट, उसके अलावा 2005 में अगर देखो, सरकार मनरेगा लेकर के आई, जिसमें राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात हम करते हैं, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की बात करते हैं. एज अ राइट यू कैन डिमांड एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा टू सिक्योर और लाइवलीहुड. वंस अगेन, व्हाट इज दिस? दिस इज सोशल प्रोटेक्शन. अगर किसी किसान की फसल खराब हो गई तो वो मनरेगा के अंदर जाकर के काम करेगा, पैसा कमा सकता है, दैट इज सोशल प्रोटेक्शन. ऑल राइट, अब सोशल प्रोटेक्शन के वेरियस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट प्रोवाइडर तो स्टेट आ गया, उसके बाद फैमिली और किन्स आ जाते हैं. कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, जैसे जो लंगर प्रथाएं होती हैं आप देखते हो, ठीक है, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी आ जाएगा, कम्युनिटी के अंदर भी आ जाएगा, और फिर आपके नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल प्रोटेक्शन में. तो एमसीक्यू देखो इस तरीके से भी फॉर्म कर सकता है, दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोवाइडर ऑफ सोशल प्रोटेक्शन इन द कंट्री और इन द सोसाइटी. ऑप्शन ए स्टेट, ऑप्शन बी कम्युनिटी, ऑप्शन सी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. ओके, सो डेफिनेटली क्वेश्चन मल्टीपल वे में फॉर्म हो सकते हैं. यू जस्ट हैव टू कीप योर माइंड ओपन कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम एग्जामिनर अल्टीमेटली करेगा. ऑल राइट, उसके बाद टाइप्स ऑफ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स के ऊपर आप आ जाओ. टाइप्स ऑफ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में तीन अपने पास टाइप आते हैं, सोशल असिस्टेंस, इंश्योरेंस और रेजिडुअल कैटेगरी. एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है. और ये जो है आपका जो क्लासिफिकेशन गिवन है, दिस हैज बीन गिवन बाय ब्रिंटोज एंड ह्यूम. ऑलराइट, एक एक करके समझते हैं. सो सबसे पहले सोशल असिस्टेंस क्या आ गया. सोशल असिस्टेंस में हम बोल रहे हैं कि भैया हम सपोर्ट दे रहे हैं पुअर हाउस होल्ड्स को. सपोर्ट किस वे में दिया जा रहा है? इस केस में सपोर्ट दिया जा रहा है बाय ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज. ठीक है, जो भी एलिजिबल डिप्राइव्ड सेक्शन है, हम उनको क्या कर रहे हैं, रिसोर्स ट्रांसफर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक योजना आ जाती है पीएम किसान. इसके अंदर सरकार ने क्या बोला कि जो एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको सालाना 6,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे इन 3 equal installments of 2,000 rupees. ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो उन हाउस होल्ड्स को बाय ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज. और ये जो आप ट्रांसफर कर रहे हो ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है. नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी के सेंस में आप किसानों से कुछ पैसा नहीं ले रहे, आप उनसे कुछ सोर्स नहीं ले रहे उनका. आप उनको ये नहीं कह रहे कि इतना पैसा तू डाल तब हम तेरे को 6,000 रुपये देंगे. नहीं, ये सारे का सारा पैसा जो है टैक्स फाइनेंस्ड है. ठीक है, जो टैक्स पे कर रही है, जो टैक्स सरकार टैक्स इकट्ठा कर रही है हिंदुस्तान की जनता से, उसको पे कर रही है कैश में या काइंड की फॉर्म में. काइंड की फॉर्म में अब आपका एग्जाम्पल आ जाता है आयुष्मान भारत. अब आयुष्मान भारत के लिए जो भी लोग एलिजिबल हैं आयुष्मान भारत के लिए, सरकार ने उनको ये तो नहीं बोला कि भाई हर साल तुम्हें इतनी प्रीमियम पे करनी है तब तुम्हें आयुष्मान भारत के अंदर जो है बेनिफिट मिलेंगे. सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं पे करना. जो एलिजिबल है आयुष्मान भारत के लिए उसको 5,00,000 रुपये का हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, कोई प्रीमियम नहीं पे करना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर मैं बात करूँ अटल पेंशन योजना की, अटल पेंशन योजना कॉन्ट्रीब्यूटरी है, वो सोशल असिस्टेंस में नहीं आएगी क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूटरी है. क्योंकि उसमें जो पर्सन योजना में अपने आप को एनरोल कर रहा है वो भी कुछ ना कुछ प्रीमियम पे कर रहा है. दो सरकार भी उतना ही प्रीमियम अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है लेकिन वो कुछ ना कुछ पे कर रहा है. सिमिलर इज विद योर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. उसमें चाहे किसान सिर्फ 2% या 5% या 3% प्रीमियम पे कर रहा है पर कुछ ना कुछ पे कर रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सोशल असिस्टेंस में द एलिजिबल बेनिफिशरीज आर पेइंग नथिंग. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये योजना कभी कभार यूनिवर्सल भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्कीम, पर नहीं होती है जनरली. ऑल राइट, एंड जो सोशल असिस्टेंस के इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं ये कई बार किसी और पर्टिकुलर मीन या किसी और पर्टिकुलर गोल को फुलफिल करने के लिए भी यूज किए जाते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल, सोशल असिस्टेंस की सरकार ने एक स्कीम ले आए कि हम
स्कूलों के अंदर फ्री मील प्रोवाइड करेंगे, आपकी जो मिड डे मील योजना है, ठीक है। अभी मिड डे मील भी बेसिकली इसके अंदर सरकार जो पुअर हाउस होल्ड है उनको ये तो नहीं कह रही कि हर महीने 100 रुपए जमा कराओ तब तुम्हारे बच्चे को खाना मिलेगा, ये सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अब मिड डे मील के साथ देखो दो दो चीजें टारगेट हो रही हैं, एक तो टारगेट ये हो गया कि बच्चे के न्यूट्रिशन के ऊपर हमने फोकस कर लिया, दूसरा क्या हो गया इससे जो गरीब घर हैं उनको सरकार इनकरेज कर रही है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे तो उनको फ्री का खाना मिलेगा, अल्टीमेटली एजुकेशन को इनकरेज किया जाएगा, चाइल्ड लेबर को डिस्करेज किया जाएगा, बच्चा स्कूल में आएगा तो चाइल्ड लेबर में थोड़ी जाएगा। तो कभी कभार आपकी कोई एक पर्टिकुलर सोशल असिस्टेंस की जो स्कीम होती है वो मल्टीपल एरियाज को टारगेट कर रही होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद इंश्योरेंस प्रोग्राम्स, इंश्योरेंस प्रोग्राम्स बेसिकली जैसे आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करने के लिए, मेटर्निटी सिक्के नेस और ओल्ड एज को टारगेट करने के लिए भी आपकी योजनाएं आती हैं, ठीक है, सोशल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अंदर सब आ जाएगा। उसके बाद रेजिडुअल कैटेगरी में क्या क्या आ गया, जैसे आपके लेबर मार्केट रेगुलेशन लेकर के आ गई सरकार, इसके अंदर मिनिमम वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, तो ये सारे के सारे कोड क्या है, लेबर मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर, फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसके अलावा स्टेट इंटरवीन करती है टू सपोर्ट द प्राइसेस ऑफ गुड्स। अब ये जो सपोर्ट है, ये जो गरीब लोग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी सपोर्ट देने के लिए, ताकि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको रीजनेबल प्राइसेस मिले उनके प्रोड्यूस के लिए। अब इसमें आपका एमएसपी का एग्जाम्पल आ जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एग्जाम्पल आ जाता है, इसमें आपका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो सपोर्ट देती है सरकार वो आ जाता है, ताकि रीजनेबल प्राइसेस पर गरीबों का या वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के प्रोडक्ट्स गुड्स बिकें। साथ ही साथ सरकार को ये भी ध्यान रखना है कि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको रीजनेबल प्राइसेस पर गुड्स मिले खरीदने के लिए, ठीक है। इसके अंदर अपना एग्जाम्पल आ जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, ठीक है, अंत्योदय योजना का, जहां पर 35 kg ऑफ गुड्स बिलो पॉवर्टी लाइन को प्रोवाइड कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो दोनों चीजों के ऊपर सरकार को रेगुलेशन करना है, ताकि जो पुअर हाउस होल्ड है वो अपने गुड्स को सेल भी कर सकें प्रॉपर प्राइस पर, और जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको रीजनेबल प्राइस पर, अफोर्डेबल प्राइसेस पर गुड्स अवेलेबल भी हो सकें। ओके, सो कंजम्पशन और इनकम दोनों को स्मूदन करना है रेजिडुअल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज का भी आ जाता है, आपका मुद्रा का इसके अंदर फंडा आ गया, स्टार्टअप का इसके अंदर फंडा आ गया, ताकि जो पुअर सेक्शन है उनको पैसा मिल सके और वो आगे इन्वेस्ट करके अपना कुछ धंधा शुरू कर सकें। एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, मनरेगा का एग्जाम्पल इसके अंदर आपका आ जाता है, ठीक है दोस्तों। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, देर विल बी वन मोर पार्ट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, उसके अंदर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। एंड ये सारे के सारे पार्ट्स में अब आप खुद से सोचने की कोशिश करो कि MCQs किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं। जिन बच्चों ने कोर्स लिया है उनका तो MCQs ऑलरेडी इस टॉपिक पे भी आपके कवर रहेंगे। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, प्लीज शेयर द चैनल, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स तक इसकी रीच बढ़ाएं चैनल को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप भी इसको सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।